हे गाइस, आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। गाइस, आज मैं अकेला उतर रहा हूँ इस जगह पे। बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं? आप जस्ट देखते रहिए यहाँ पे तुम्हारा भाई कैसे सरवाइव करता है। बहुत ही मतलब अल्टीमेट सरवाइव किया यार यहाँ पे। मैं पता कम से कम नहीं तो यहाँ पे 25 से 30 बंदे थे, जिसमें से कितने मैं मारता हूँ देख तू। गाइज, ये वाली जो जगह है यहाँ पे यार, फुटस्टेप इतने आ रहे हैं कि पता नहीं चल रहा कौन बंदा कहाँ से कूद रहा है। कुछ बंदे ऊपर भी कूदे, कुछ बंदे मेरे पे रश कर रहे हैं। भाई ये बंदे की टीम को तो पता नहीं कितनी बार मारूंगा मैं। एक और बंदा आ रहा है सेम ड्रेस पहन के। और यार ये फायदा होता है रॉयल पास का, अगर एक अच्छी आइटम आ गई, एक अच्छा ड्रेस आ गया, सब बंदे वही पहने हुए मिलेंगे, सब पीले पीले कबूतर मिलेंगे। आज तो मुझे लग रहा सब अलग अलग थे, लेकिन क्योंकि ड्रेस सबने सेम पहनी थी तो मेरे को लग रहा था कि सब एक जैसे ही हैं। खैर, इसको मार दिया, थोड़ी सी लूट ले लेते हैं। भाई इतने सारे बंदे ना यहाँ पे, 4 किल मेरे हो चुके हैं। ये बंदे वापस इसी जगह पे आएंगे। एक एक बंदे को तो मैं दो दो बार भी मारता हूँ, कुछ कुछ बंदों को, बस देखते रहो। अभी ऊपर बंदे हैं, नीचे भी बंदे हैं। गाइस मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। ऊपर जाऊँगा तो ऊपर से बंदे आ रहे हैं, पुश हो रहा है ऊपर से, और नीचे तो बंदे आ ही रहे हैं। अभी किसको मारें? अभी इसको फिनिश करते हैं गाइस, उसके बाद वापस ऊपर चलते हैं। मेरे को लग रहा है ऊपर नहीं आने देंगे ये लोग मेरे को, फिर भी ट्राई करते हैं। ये बंदा भाग रहा था सबसे पहले, तो इसको फिनिश करते हैं गाइस। अब चलते हैं गाइस ऊपर, ऊपर शायद बंदे हैं, लेकिन गाइस फायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अगर आप अकेले बंदे हो ना, जो फटती है ना यहाँ पे, अगर आप अकेले उतरे हो तब आपको पता चलता है। और वो भी अगर आप फाइट ले रहे हो, अगर आप छुपे हो तब की बात अलग है, लेकिन फाइट ले रहे हो वो भी सेंटर में। सेंटर गाइस, ये सेंटर है, पता आपको ये सेंटर है इस जगह का। बाकी गाइस देखते हैं यार कितने बंदे मार पाता हूँ मैं। 6 तो हो चुके हैं, जिनमें से एक दो को तो नॉक कर रखा है मैंने अभी। बाकी फिनिश करते हैं इनको, उसके बाद देखेंगे किल कितने अपने कंफर्म होते हैं। जाके पहले तो सामने वाले को फिनिश करने से पहले हील कर लेता हूँ, उसके बाद जाके आराम से फिनिश करूँगा। अब जाके मार के आता हूँ गाइस उसको, ईजिली मारूँगा अब तो। भाई यही हो रहा गाइस, ऑफ करके मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं नॉक कर रहा हूँ, बंदे फिर रैव होके आ रहे हैं, मैं जब तक हील कर रहा हूँ तब तक वापस रैव हो रहा है, देन वो वापस आ रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है यार यहाँ पर। देखा जरा, एक और बंदा लेटा होता है गाइस, वो तो दिख नहीं रहा था मेरे को। अभी मैं आगे गया नहीं हूँ क्योंकि सामने बंदे हैं और वो लेटे हुए हैं। अभी नीचे से भी आ रहे हैं कुछ बंदे गाइस, ऊपर से तो आ ही रहे हैं। समझ नहीं आ रहा यार मेरे पे क्यों अटैक कर रहे सबके सब। शायद मैं इंस्टेंट फिनिश कर रहा हूँ इनके बंदों को, इसलिए सब मिलकर मेरे पे अटैक कर रहे गाइस। नीचे से फिलहाल बंदे आ रहे हैं, डर लग रहा है मेरे को। अभी देखना एक आदमी। वैसे कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कोडाशॉप लाए आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल का ऑफर। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाते हो कोडाशॉप पे और यूसी बाय करते हो, तो आप लोगों को मिलेगा अप टू 40% बोनस यूसी, और इसी के साथ 75 रुपीज़ का अश्योर्ड कैशबैक। एंड इसके साथ गाइज आप लोग लेजी पे के जरिए बाय नाउ और पे लेटर वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, मतलब यूसी भी बाय कर लो और पैसे बाद में दे देना। ये ऑफर गाइज वैलिड है 21 जून तक, याद रहे गाइज। आपको ये ऑफर क्लेम करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही यूसी बाय करनी है। यहाँ पे टॉपअप प्रोसेस बहुत इजी, आपको वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद जो वहाँ पे आपको आपकी आईडी डालनी है, BGMI आईडी, देन आपको कोई भी पैक सेलेक्ट करना है, आपका पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, और उसके बाद ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ते जाइएगा, आपका प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएगा। बाकी तो गाइज कोडाशॉप को जो है लेटेस्ट ऑफर और अपडेट्स के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, और इनके कोडाशॉप इंडिया के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा गाइज कि ये कौन बंदा किसको मार रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। नौ किल हो चुके हैं गाइज, जाके फिनिश करते हैं, शायद एक दो नॉक और पड़ा होगा अपना नीचे, लेकिन उससे पहले हील कर लेते हैं गाइज। यहाँ पे बहुत बंदे, बहुत ही ज़्यादा बंदे गाइज। अभी भी जिनको जिनको मैंने मारा वो सब वापस आ रहे गाइज मेरे को मारने के लिए। अब मैं मरने वाला हूँ, एक और नॉक कर दिया गाइज, अब जाके वापस फिनिश करेंगे। लेकिन थोड़ा सा लूट ले लेता हूँ गाइज। अब जब मैं लूट ले लिया तो वापस गया वहाँ पे, फिर से देखना क्या होता है। गाइज दो नॉक पड़े हुए थे मेरे सामने,
क्या हो गया यार मेरे साथ, अगर एक बंदा भी मेरा जिंदा रहता ना गाइस, लिटरली तुम्हारा भाई वहाँ पे क्लच कर देता। बट यार बट कह सकते हो यार थोड़ा सा किस्मत खराब थी, दोबारा उतर इसी जगह पे। ये जगह तो मेरे को बहुत ज़्यादा लकी लग रही है गाइस, इस बार देखते हैं क्या कर पाते हैं। चिकन डिनर लेना गाइस इस बार। इस बार मैंने सोचा यार अच्छा अगर ऐसा हो रहा है तो बंदों को लेके आता है, इस बार मैं बंदों को लेके आया हूँ। किल देखते हैं, चलो गाइस दो निहत्ते तो मिल गए मेरे को, दोनों को मार दिया। अभी बाकियों को भरते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा सा और लूट लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते गाइस इस जगह से। तो दो तीन की अपने दो किल तो मिल चुके गाइस। और इसको बजा दिया। अब इसको यहाँ पे मारने के बाद ना, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट होट ड्रॉप था तो शायद यहाँ पे बंदे नहीं उतरे थे, आपको पता अपडेट के बाद तीन हो गए। अब मेरे को पता नहीं कहाँ से फायर हुआ, मेरे को दिखा भी नहीं बंदा, लेकिन तभी मेरा टीममेट आ गया। और अब देखो ये वाली गेम में बहुत तगड़ा वाला सर्वाइव होने वाला गाइस। अब ये बंदे को मारा ना मैंने, इसके बंदे भी थे, इसको फिनिश किया और हमको यहाँ से निकलना था। सो मैंने सोचा मेरे पास थोड़ा एमो नहीं है फाइव का, तो मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने फाइव का एमो लिया, फायरिंग होती है, जैसे मैं गाड़ी में बैठा अब उस तरफ जाते जिस तरफ से फायरिंग हो रही थी, सामने से फायरिंग हो रही थी गाइस। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। उस बंदे के टायर वायर फोड़ दिए तुमने, तो शायद वो उस जगह पे है, वो शायद वॉश टावर के पीछे, क्योंकि बग्गी तो उसकी वहीं पे रुकी है, शायद वो टावर के पीछे हो सकता है। आई मेरे को लग रहा है जहाँ तक वो, हाँ बंदा टावर के पीछे गाइस, क्योंकि बग्गी उसकी वहीं पे रुकी है और टावर के पीछे आपको पता गाइस एक कवर होता है। लेकिन जैसे वहाँ पे पहुँचा मेरे को लगा बंदा गायब, तभी मैं इस तरफ ध्यान भटकता, मैंने इस तरफ फाइट ली और फ्लो फ्लो में मैं दूसरी साइड चला जाता हूँ। उसके बाद देखो क्या होता है, ये बंदा छुपा हुआ था यार, हम काफ़ी ज़्यादा बंदे इसके सामने जो है थोड़ा ज़्यादा ही चहल पहल कर रहे थे, तो ये बंदा छुपा ही रहा वहाँ पे। अब यहाँ पे गाइस पता नहीं क्या, लेकिन दो टीमें आ जाती हैं और उन दोनों का सेंटर पॉइंट रहता है हमारी टीम, क्योंकि हम यहीं पर थे बीच में थे। अब यहाँ पे ना जैसे जैसे हम बंदों को निपटाते जा रहे थे गाइज, यहाँ पे दो टीमें आ गई, जो कि मैंने आपको बताया था पहले भी। एक टीम काफ़ी दूर थी, स्नाइप कर रही थी, हम क्या कर सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा बैरल पे रेड डॉट लगा के, जितना हुआ सबसे हमने फायरिंग वायरिंग करना स्टार्ट किया। लेकिन उनके कुछ बंदे क्लोज आ गए, एक बंदा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, दूसरा बंदा क्लोज आके लेट के मार के चला गया, लेकिन उसको हमने वहीं पे लुटका दिया। अभी अपने टीममेट को बचाएंगे सबसे पहले तो, और जो बाकी के बंदे वो देखो बैरल वाला भी है। तो मेरे पे गाइस एमो भी खत्म हो गई थी, अभी आप देख सकते हो तो मेरे बैरल में शायद एक दो रिलोड बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों टीममेट नॉक पड़े हैं। सामने एक नॉक तो करा मैंने, लेकिन एक बंदा और आ गया उनका क्लोज में, सो उससे भी थोड़ा सा निपटना पड़ेगा। वो स्मोक कर दिया मैंने जितना ज़्यादा हो सके, एक ही था वैसे तो इतना ही ज़्यादा करेंगे। खैर बंदा है सामने, अब हम फ्लो फ्लो में ना कुछ ज़्यादा ही आगे आ चुके हैं गाइस। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो सामने से भाई लेट के स्प्रे आएंगे, जो कि हम नहीं झेल पाएंगे। एक चीज़ अच्छी हुई कि थोड़ा सा मार्कर रख गया वहाँ पे और फाइनली उस बंदे को नॉक कर दिया। मैं पीछे की तरफ दौड़ रहा था, फायरिंग हो रही थी तगड़ी वाली, लेकिन वो लोग लेट के फायर कर रहे थे और हम उनको देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा ईजिली गाइस। तो मैं थोड़ा सा दूर गया हूँ वहाँ से, अब इस जगह पर आ गया हूँ और उनके जाते हुए नॉक बंदे को फिनिश भी कर दिया। लेकिन तभी एक बगी स्लैम होती है मेरे बिल्कुल यहाँ पे क्लोज इस टावर के आसपास, शायद इनको पता चल चुका है गाइस मेरा। अब यहाँ पे अगेन गाइस मेरा टीममेट नॉक, भाई मेरे को रिस्क लेना ही था वहाँ पे, मेरे पे हील नहीं थी गाइस, जोन आ रहा था पीछे से, सो वहाँ पे तो मैं फंस गया था। लेकिन इस बंदे को नॉक करना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैंने कर दिया, फिनिश भी कर देता हूँ एक एक करके इनके बाकी बंदों को भी। एक तो बंदा इनका हार के आ जाता है मेरे पास, और देख सकते हो मेरे पास एमओ कितना बचा हुआ है, 10-20 बुलेट बचा होगा मेरे बैरल में और 5-10 बुलेट बचा मेरे M4 में।
और ये बंदा जो है गाइस स्नाइप कर रहा था, तो काफ़ी दूर से उसको निपटाया, भाग रहा था भाई जोन के अंदर, नॉक हुआ अभी, इसके टीममेट इसको छोड़ के भाग चुके हैं, अब हम मारेंगे उसको, देखो जरा कैसे। पहले यहाँ पे फिनिश कर रहे थे, मैंने बोला था ना गाइस ये वाला गेम जो है बहुत ज़्यादा सर्वाइवल गेम है। यहाँ पे हम एक जगह फंस गए, उसके बाद ये देखो ये बंदा था जिसको मैं नॉक करा, इतनी दूर नॉक करा था इसको, कम से कम 200। अब गाइस देख रहे हो जिसको नॉक किया था उसका टीममेट बोट में कैसे भाग रहा है, उसको निपटा तो देते लेकिन जोन के बाहर थे हम, सो हमको जोन के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन जाते ही जो हमारा स्वागत हुआ ना गोलियों से, देखो जरा गाड़ी फाड़ने वाले लोग मिल गए थे भाई रास्ते में, देखो जरा क्या होता है गाइस। अबे इस बंदे ने यार कुछ तो ग्लिच कर रखा था गाइस, कि ये बंदा जो है बाइक पे चल तो रहा था लेकिन जब तक ये बंदा बाइक के ऊपर था ये बंदा दिख नहीं रहा था, हमने देखा दिख नहीं रहा था ये बंदा बिल्कुल भी। इस बंदे ने पता नहीं क्या ग्लिच कर रखा था। हम यहाँ पे आए, नॉक हो जाता हूँ मैं यहाँ पे, बचने का कोई चांस नहीं था गाइस, बट पता नहीं मेरे टीममेट उनके आगे आ गया, उनका स्प्रे मेरे से हट के मेरे टीममेट के ऊपर चला गया, मेरा टीममेट नॉक हो गया, फिनिश हो गया, मैं यहाँ पे बच गया। मैंने बोला भाई इसका तो पूरा 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 कीमत निकालना पड़ेगा इसका। मैं फिलहाल पीछे आ गया हूँ जो गलती मैंने करी थी, क्योंकि सडनली मेरे को नहीं पता था वो कहाँ से, वो बोट वाले बंदे थे शायद, बचे हुए अभी दो से तीन बंदे, दो बंदे शायद ओपन में आ रहे गाइस। मैंने नॉक किया बंदे को, नॉक करने के बाद इसको फिनिश करने की ट्राई करता हूँ मैं, बट वो पेड़ के पीछे जा चुका था जहाँ तक मेरे को लग रहा है, सो उसको मार तो नहीं सकते लेकिन हम जोन में जाना पड़ेगा हमको। मैं 10 से 15 मीटर बाहर था जोन से, जो कि मेरे को जाना ही पड़ेगा अभी। थोड़ा सा यहाँ पे और स्प्रे देते हैं एक दो बार, बट गाइस आप देख सकते हो मेरे पास बुलेट खत्म हो गई है, बैरल की कुछ 40-50 बुलेट हैं, M4 की तो है ही नहीं, एक रीलोड है। सो मैं पीछे आ गया, टीममेट आगे, टीममेट के ऊपर अटैक हो जाता है, वो टीममेट के ऊपर फिनिश कर देते उसको मार के, मैं बचा हुआ था यहाँ पे। मेरे को वो दो बार दिखते हैं आप यहाँ से, बट क्योंकि बुलेट उतनी नहीं थी गाइस तो मेरे को काफ़ी संभल के चलना था, बस क्लोज रेंज में ही मैं फाइट ले सकता। अब देखो फिर यार बंदे सामने, बंदे को लिट कर दिया लेकिन वो तने पे पीछे छुप जाता है। अब दूसरा बंदा बहुत अटैकिंग हो रहा था, पुश कर देता भाई वो तो अंधे में, सो इसको फिनिश किया। अब तो मेरे पास एमओ ही एमओ है, क्योंकि एक बंदे को मारना है वो बंदा सामने ही है मेरे, बट मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ वो बंदा उछलने लग जाता है, सो मैंने उस पर विश्वास किया, मैं यहाँ पे जो है ओपन में लूटने लग जाता हूँ, उसको दिखाता हूँ कि भाई देख मारना मत मेरे को। बंदे के साथ ओपन में हूँ मैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा आखिरी बंदा बचा है उसको मार लेते पहले। तभी मेरे को पीछे की तरफ एक बंदा दिखता है, थोड़ा सा तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि बंदा है कहाँ, बहुत देर हो गई थी, और जब मैं उछला पत्थर पे और काफ़ी इजीली मार दी इस बंदे को। अब जो आखिरी बंदा बचा हुआ था इसने कहा कि भाई मेरे को मार दो, मैंने निकाला पैन, इसने बोला था पैन से मारना, अब किल फीड देखना था इसको, तो मैंने इसको बहुत बार बोला कि भाई तू चिकन ले ले, बट एक शॉट में मर गया बंदा। थोड़ा सा ये डिले चलता है पता नहीं किस चीज़ के लिए, बट इसी के साथ होता है कि इजी चिकन डिनर।